आज जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, ये इस बारे में बुलाई गई है, कल हमारी CIA टीम की एक अपराधी के साथ में मुठभेड़ हुई थी, तो उसी संबंध में आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। मामला सारा ये था कि हमारे कलायत में जो शेखर रेडीमेड कपड़ों की दुकान जो है, उसके ऊपर 3 मई को फायरिंग की गई थी, जिसमें कि हमने मुकदमा दर्ज करके उस पर कार्रवाई की थी, और उसमें अभी तक हम 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। तो उसी संबंध में हमें ये सूचना कल मिली थी हमारी CIA टीम को, कि जो उसमें एक मुख्य आरोपी है, जिसका नाम है कि नवदीप उर्फ नवी, सन ऑफ जितेंद्र, जो कि रहने वाला है खेड़ी लांबा गांव का, कलायत के समीप, और उसकी ये सूचना मिली थी कि वो किठाना से संडील जाने वाले रास्ते पे वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे वो आया है, देखा गया है। तो हमें क्योंकि उसकी तलाश पहले से थी, हमारे पास उसकी सूचना आ चुकी थी, जो हमने पहले आरोपी गिरफ्तार किए थे उन्होंने उसके बारे में बताया था कि वो इस वारदात का मुख्य आरोपी है। तो इसी संबंध में फिर हमारी CIA टीम ने अपनी टीम तैयार करके और वहाँ पर उसको पकड़ने के लिए वहाँ पे गए। तो जैसे गए तो वो वहाँ पे पुलिस की टीम को देखते हुए उसने वहाँ से अपने आप को वापस वहाँ से मोड़ लिया। जब वो वहाँ से वापस मुड़ गया तो उसके बाद में हमारी टीम ने उनको वार्निंग दी और उसको रोकने के लिए इशारा किया, रुकने के लिए काफ़ी कोशिश करी, लेकिन वो वहाँ से भाग गया। तो उसके ऊपर उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग करी, हमारी टीम पर, और उसके जो फायरिंग में एक गोली हमारी पुलिस की जो है गाड़ी का शीशा टूटा और एक गोली वाइपर पर लगी, और उसके बाद में वहाँ से भाग गया। हमारी टीम ने भी उसको रोकने की कोशिश करी और उसके जवाब में हवाई फायर भी किया उसको रोकने के लिए। फिर उसके बाद में हमने उसको कैथल कंट्रोल रूम को और जींद कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी गई, और उसके बाद में आसपास के इलाकों में नाकेबंदी की गई, और नाकेबंदी करने के पश्चात फिर दोबारा वही बाइक सवार हमें दिखा, जो कि बड़ी सीकरी से और बालू की तरफ जो रोड जाता है वहाँ पर हमारी टीम को उससे मुठभेड़ हुई, और जिसमें कि उसके पैर पर एक गोली लगी। उन्होंने हमारे मुलाजिम पर फायर किया, जिसमें कि हमारे हेड कॉन्स्टेबल मनीष, जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, उनके बिल्कुल जैकेट पे सीने पे फायर लगा, लेकिन जैकेट पहने हुए की वजह से उनका बचाव हो गया और हमने उसको फिर काबू कर लिया। उसके दाहिने पैर में एक गोली लगी है और वो अभी अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। तो दोबारा मुठभेड़ कितने समय बाद हुई सर? ये 40-45 मिनट बाद पहली मुठभेड़ थी, 40-45 मिनट बाद, क्योंकि हमने नाकेबंदी कर दी थी पूरे इलाके में और हमारी पुलिस तैनात थी उसको पकड़ने के लिए। उसके बाद ये हमारी CIA 1 की ही सूचना थी, उनको मिली थी और CIA 1 की टीम ही मौके पर मौजूद थी, लेकिन जैसे ही फर्स्ट इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद में कंट्रोल रूम को सूचना दे दी गई थी। उसके बाद में हमारी और भी लोकल इलाके की पुलिस की टीमें हैं और जो CIA की टीम, वो भी वहाँ पहुंची थी, लेकिन ये मुठभेड़ CIA 1 की टीम के साथ थी। अब तक किस तरह से पूछताछ की थी, ये जानकारी कुछ क्या बताया? अभी वो अस्पताल में दाखिल है और अभी उससे वैसे डिटेल में पूछताछ एक बार वो जब डिस्चार्ज होगा उसके बाद में की जाएगी, लेकिन अभी तक जो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने ये आया है कि जो नवदीप भुल्लर है, ये जो है कि मुख्य आरोपी है, इसी ने ही पूरी वारदात की प्लानिंग की थी, और प्लानिंग करने के लिए इसने जो कि संगरूर जेल में बंद है आकाश चौहान, उसके साथ संपर्क किया इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू जैसे भी, और आकाश चौहान जिसको कि हम प्रोडक्शन वारंट में पीछे लाए थे, उसने इसकी उनको टच में कराया। बाकी जो आरोपी हैं, जो कि संदीप मोर हमने पकड़ा था और एक अभी जो कि वांछित अपराधी है मोहित मलिक, उनके साथ में इसका संपर्क करवाया, और इन तीनों ने मिलकर के इस वारदात को, जो एक्चुअल बाइक पे 3 सवार आए थे उनमें से 2 ने फायरिंग की थी, ये तीनों उस वारदात में। तो इसके बरामद क्या हुआ? अभी इससे 2 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई, जिनमें से एक पिस्टल वही है जो कि जिसकी मैगजीन मौके पर गिर गई थी, जो उसने वारदात में यूज़ की थी, और एक अन्य पिस्टल इसके पास से बरामद हुई, जिसमें से इसने फायर मार दी। अभी तक यानी हमारे पास कोई इसका प्रीवियस क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है बाकी, लेकिन एक बार इससे जब पूछताछ की जाएगी डिटेल, तो उसके बाद में जो भी जानकारी सामने आएगी वो बताएगी। बाइक इस्तेमाल कर रहे थे? बाइक ये अभी कल जो थी ये होंडा ड्रीम बाइक थी, जो ये कल वारदात में यूज़ की। सर, ये जो जैसे देखिए, अभी जो ये वारदात हुई है ये एक सिंगल इंस्टांस है, यानी कि ऐसा हमारे पास में और कोई सूचना नहीं आई है, और ये जो अभी इनको आरोपियों को पकड़ा गया है, इनसे जो पूछताछ में बात आई है वो यही है कि एक तरह से डर या दहशत कायम करना चाहते हैं अपराधियों के संबंध में, और उसके बाद में उनका कुछ जो भी आगे प्रयास रहेगा, लेकिन हमारा प्रयास पुलिस की तरफ से यही है कि, और हम बिल्कुल ये अपराधियों को खुला संदेश देते हैं कि कोई भी किसी तरह के अपराध को या अपराधियों को यहाँ पे पनपने नहीं दिया जाएगा, और जो भी अपराधी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। पहले भी फिर उसकी घटनाएं सर हुई है वहाँ पे, उनसे कहीं किसी प्रकार का नहीं? इसमें जो हमने पहले है, हमने आपने बताया है कि पहले बिन्नी गैंग जो लास्ट ईयर जो वारंट किया था, उन्होंने उसको बिन्नी गैंग को भी इस घर में गिरफ्तार किया है, और बाकी सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो सारी। सर, जिस तरह से आरोपी ने फायरिंग की थी और पुलिस कर्मचारी ने हौसला दिखाते हुए उसको गिरफ्तार किया, तो क्या इन पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा टीम को, ताकि वो और आगे बढ़िया काम करें? बिल्कुल, जो टीम इसमें शामिल थी कल की उसमें जो मुठभेड़ में, उनको बिल्कुल हम सम्मानित करेंगे और इनका उचित सम्मान किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश की जनता जान गई है यार, किस किस ने लूटा है हमको बदल बदल अंदाज। राजे रजवाड़े तो गए, पर हरियाणा की राजनीति में
कुछ परिवार नए रजवाड़े यानी राज घराने बने बैठे हैं, जो कि कई सौ सौ करोड़ के घरों में रहते हैं और उनमें सौ सौ करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं। सोचिए इनका कौन सा बिजनेस सत्ता है? ये राजनीतिक और अहंकारी राजघराने सत्ता में रहकर प्रदेश को लूट लूट कर 50-50 हजार करोड़ों की अपनी संपत्ति देश व विदेश में बनाने का काम करते आ रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि इन अहंकारी लुटेरे राजघरानों की लूट की दुकान बंद करवाने और प्रदेश के गरीब युवा किसान कर्मचारी छोटे व्यापारी मजदूर व महिला के हक और प्रदेश के विकास की लड़ाई लड़ूं? अगर हाँ तो अपनी सहमति व साथ देने के लिए 7834-800-800 पर मिस्ड कॉल करें और जनसेवक मंच से जुड़े। जनसेवक मंच से जुड़िए।